हेलो फ्रेंड्स, आज है 27 फेब, ये आज का व्लॉग है। और आज मैं थोड़ा लेट उठा था, कल संडे था तो आज मैं 7-1 बजे के करीब उठा था। और उठते ही मैंने नहा लिया और ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मैं अल्टरनेटिंग करंट की क्लास लेने आ गया जो कि MR सर ही पढ़ाते हैं जनरल रेकिन 2.0 में। और बैठे बैठे मुझे पता नहीं क्या हो रहा था, आज आँखों में फ्लू टाइप कुछ हो रहा था अजीब सा ही। और उसके बाद MR सर ने कुछ पोस्चर देने शुरू करे ताकि मतलब माइंड और भी अच्छा हो गया, मतलब पढ़ने के लिए मोटिवेशन आ गया कि सर हमारे लिए इतना करते हैं तो हमें भी करना चाहिए। तो बैठे बैठे मैंने भी एक्सरसाइज कर ली, अपने हैंड स्ट्रेच करे, क्योंकि हमारे सर बोल रहे थे कि आपको भी करना है, आप लाइब्रेरी में हो तो वहीं खड़े हो जाओ, कहीं पर भी हो वहीं खड़े हो गए, मतलब पोस्चर करने हैं आपको। उसके बाद 11 बज गए थे और तो मैंने बायोटिन लिया, ये वाव स्किन साइंस का बायोटिन है, मिल्क में मैंने 2 स्पून हनी ऐड करा और उसके बाद 1 स्पून मैंने ये बायोटिन लिया है। मुझे किसी ने बताया था कि आपके हेयर इतने डैमेज होते हैं, मेरा हेयर फॉल काफ़ी होता है और मेरा डैंड्रफ काफ़ी फेमस है मेरे घर में, क्योंकि मेरा डैंड्रफ इतना रहता है अजीब तरीके से बहुत ज़्यादा। तो मैंने वाव स्किन साइंस का, मुझे किसी ने ये रिकमेंड किया था कि आपको ये लो आपको फ़ायदा करेगा, तो मैंने यही मंगवाया था ऑनलाइन और फिर मैंने ये लिया मिल्क में मिलाकर और मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया और इसको मैं पी गया। और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है, ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ अजीब चीज़ पी रहे हो, मतलब जिसको नहीं पिया जाएगा वो भी पी लेगा आसानी से, अच्छी चीज़ है, मतलब पीने में शेक की तरह लगता है जैसे बनाना हो। और फिर मैंने केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया जो कि मोहित सर पढ़ा रहे थे। मैंने केमिकल बॉन्डिंग के दोनों लेक्चर कंप्लीट करे, मेरा केमिकल बॉन्डिंग में 4 लेक्चर का बैकलॉग आ रहा था, होपफुली मैंने आज 2 लेक्चर अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए और मेरे मतलब अब 2 लेक्चर का ही बैकलॉग बचा है केमिस्ट्री में। बस अब जो बैकलॉग बचा है वो है फिजिक्स में। फिजिक्स में मेरा मैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर का अभी बैकलॉग है, वो भी मैं धीरे धीरे कंप्लीट कर लूँगा। उसके बाद मैंने 2 लेक्चर कंप्लीट किए और पता नहीं अजीब हो रहा था, मैं पढ़ने का भी मन कर रहा था, नहीं भी कर रहा था। गाइस आपके साथ भी ऐसा होता है क्या, कमेंट में बताना कि आपका भी ऐसा होता है क्या, कभी मन कर रहा है कभी नहीं करता। तो मैंने सोचा यार अगर नहीं कर रहा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं गिव अप नहीं करूंगा, लेकिन मुझे पढ़ना तो पढ़ना है। तो मैंने 2 लेक्चर जैसे तैसे करके कंप्लीट किए, मेरा मन नहीं कर रहा था, मैंने लेक्चर बीच में छोड़ा, थोड़ी देर मैंने वॉल पे लगे हुए अपने वॉल पेपर को स्टिकी नोट्स को रिविज़न कर डाला, जिसमें मेरे ये सब थे कास्टेशन वगैरह, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट सब लिखे हुए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के तीनों सब्जेक्ट के, मैंने मेन पॉइंट करके मैं ऐसे लगा लेता हूँ। क्या गाइज आप भी ये वाली टेक्निक यूज़ करते हो तो मुझे कमेंट में बताना। इसके साथ ही मैंने चोको पाई भी एक ले लिया, मतलब स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, जनरली मुझे ऐसी चीज़ें काफ़ी पसंद है जैसे कि केक हो गए, कप केक हो गए, तो मैंने बीच में ले लिया। उसके बाद मेरे से नहीं रहा गया, मेरी आईज इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा था, मैंने दवाई ही डालनी पड़ी। उसके बाद मैंने क्या सोचा कि ना अब मैं काउंटर पे बैठा बैठा थक गया था, क्योंकि 2 बज गए थे सुबह के, 6 बजे से 2 बज गए थे, तो मैं बेड पर आ गया, मैंने और लेक्चर जो था मेरा केमिकल बॉन्डिंग का मैंने बेड पर बैठकर ही कंप्लीट किया। और फिर मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ को का भी 4th लेक्चर कंप्लीट किया। अब मेरा बैकलॉग जो बचा है वो सिर्फ बचा है फिजिक्स में। तो गाइज आप कोई टेक्निक बताइए कि मैं अपना बैकलॉग कैसे कंप्लीट करूं, जल्दी से कमेंट में बताना मुझको। तो सुबह से क्या हो रहा था, मुझे बताए जा रहे थे मेरे फ्रेंड्स की ना अलग सर की शादी हो गई है, तो मैंने क्या सोचा इंस्टाग्राम खोला जाए या नहीं खोला जाए, तो मैंने खोल ही लिया कि यार मन नहीं मान रहा था, तो मैंने उनकी वेडिंग्स की कुछ पिक्स देखी, मैंने सोचा हाँ यार सच्ची में शादी हो गई। और फिर मैं सो गया, 3 बजे मैं सोने को गया, मेरी आँख सिर्फ लगी थी 10 मिनट के लिए, तभी पार्सल वाले का कॉल आ गई कि आपका पार्सल आ चुका है। तो गाइस मुझे ना एक कमेंट बहुत कॉमन दिख रहा है अपनी वीडियो में कि आपकी वॉइस अच्छी नहीं है, आप माइक को पीछे करके बोलिए। तो मैंने क्या सोचा मुझे अपना माइक मंगाना चाहिए, मेरे पास माइक था ही नहीं अभी तक, मैं बिना माइक के ही रिकॉर्ड करता था, तो मैंने ये माइक मंगाया था फ्लिपकार्ट से। तो गाइस सॉरी अगर मेरी वॉइस आपको ऐसी लगी, लेकिन मेरे पास अभी तक माइक नहीं था, मैंने जैसे तैसे करके माइक मंगाया है और उसके बाद अब मैं शूट करने वाला हूँ अच्छी तरीके से, अब आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट वीडियो मिलने वाली है मेरे चैनल पर। और ये माइक था कुछ इस तरीके का, आप देख सकते हो। और मैंने आपके लिए एक और चीज़ मंगाई है जो अमेजोन से मंगाई है, उसका सरप्राइज़ है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में खोलूँगा आपके लिए। चलो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, 5 बज रहे थे अभी, बाय।